Hey, what's going on everybody? Myself Ash, welcome to Boldly. आज इस वीडियो में हम बात किसी भी चीज़ के बारे में तो नहीं करेंगे, मैं बल्कि एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा किसी चीज़ को, मैं बस मेरे थॉट्स प्रेजेंट करूँगा इस एपिसोड के बारे में बोर हो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करते हैं गाइज सबसे घटिया प्लॉट ट्विस्ट के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ गाइज बोरूटो की, एक एपिसोड के अंदर जिसके अंदर हम देखते हैं कि मोमोशिकी ने यार सास्के का रेनेगान खत्म कर दिया। ठीक है, बेसिकली जैसे इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो इस तरह से। आई मीन गाइज, क्या है ये? हाँ, क्या है ये? हमें यार गाइज, आपको पता नहीं होगा बट सास्के के पास बहुत सारी पावर्स है, राइट? अगर मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रेनेगान की पावर कौन कौन सी है। सो गाइज, जिस तरह से हम शारिंगान एक्टिवेट करते हैं ना, हमको बेस एबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, हम किसी की मूव्स को कॉपी कर सकते हैं, हम गेंजुत्सु के थ्रू देख सकते हैं, हम चक्र नेटवर्क को हम लगभग ठीक तरह से देख सकते हैं, बट ब्यागोवन जितना हम नहीं देख सकते। ठीक है, उसी तरह से हमको यार रेनेगान की भी बेस एबिलिटीज मिलती है। अब रेनेगान की बेस एबिलिटीज कौन सी है गाइज? फॉर एग्जांपल, हम पेन में देखते हैं ना, जितनी भी एबिलिटीज है ना पेन के पास, वो सारी रेनेगान की गाइज बेस एबिलिटीज है। यानी यूजर जब रेनेगान एक्टिवेट करता है तो उसे ऑटोमेटिकली सारी बेस एबिलिटीज मिलती है। तो गाइज, ये कैसे हो सकता है कि यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है गाइज, ये कैसा घटिया लेजी राइटिंग है जो बोरूटो के अंदर हम देख रहे हैं। यार पेन की अगर वो एक भी एबिलिटी यूज करता ना तो ये सब नहीं होता। हाँ, मुझे पता है वो राइटर को, रेनेगान को हटाना था, बट ये कोई स्टाइल नहीं होता गाइस कि यार हम इस तरह से हटा देंगे। अब इसके अपोजिशन में लोग बोलेंगे कि यार वो बहुत स्पीड में आया, सास्के के पास चाकरा नहीं था। गाइस लिटरली बोरूटो के अंदर मैंने सास्के के मुंह से यही सुना है हमेशा, मेरे पास चाकरा नहीं है, ओह शिट, मेरा चाकरा खत्म हो गया, ओह माय गॉड। गाइस ये कोई वे नहीं होता कि आपके यार सबसे खतरनाक कैरेक्टर को आप इतना घटिया तरीके से पेश कर रहे हो आपके नेक्स्ट फ्यूचर शो के अंदर। कम ऑन गाइस, फैंस वेट करते हैं कि यार सास्के कब कुछ करेगा, सास्के अब कुछ करेगा, सास्के अब करेगा। नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं करता बंदा। वो बंदा बस अपनी एक आंख ढक के खड़ा होता है, बस शो देखते रहता है इधर उधर, और बस हमेशा की तरह बोरूटो यार सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। मुझे पता है गाइज, शो बोरूटो का है तो ऑब्वियसली बोरूटो हीरो बनेगा, बट गाइज ये कोई वे नहीं होता आपके फेवरेट कैरेक्टर को, जिस तरह से आपने 20 साल लग गया यार नारुतो शो को इस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए, यार आप उसके एकदम टॉप मोस्ट कैरेक्टर को इस घटिया तरीके से रिप्रेजेंट करते हो गाइज। मैं गाइज बहुत पिस्ट हूँ, ठीक है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस एपिसोड को देख के। हम नारुतो को भी देखते हैं यार, हाँ उसको उतने नर्फ नहीं किया उसको, बट उसको भी किया है, बट सास्के को गाइज खतरनाक तरीके से किया है। गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन किस तरह से होनी चाहिए। ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे मिला है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्चुअली दो वीडियो है, पहला वीडियो देखिए आप। अब दूसरा वीडियो देखिए गाइस। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए थी। इस तरह की नहीं, बट बेसिकली यार थोड़ा उसमें उसके अंदर थोड़ी फाइट्स तो लाओ यार, कि बंदों को लगना चाहिए देखने वालों को कि यार हाँ कुछ हुआ है भाई। बट ये क्या लेजी राइटिंग है भाई, बंदा आता है सुपर स्पीड से कुनाई लेके या सास्के के आँख में घुसेड देता है, ये कोई वे नहीं होता। ये सबसे घटिया राइटिंग थी भाई किशिमोटो की, अगर उसने लिखा होगा ये पेज तो। बट ऑल अराउंड मैं गाइस बोलने के लिए कुछ और है नहीं।
ये बोरुटो शो में है, थोड़े थोड़े यार स्टोरी मुझे अच्छी लग रही है अब तक, बट ये सीन गाइज मुझे बहुत घटिया लगा। इतना घटिया मैंने किसी भी एनिमे के अंदर ये अब तक नहीं देखा यार। गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, बट मुझे मेरी रिएक्शन यार इस वीडियो के अंदर डालना था तो मैंने डाल दिया। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है तो यार कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइए, अगर मैं कुछ चूक जाता हूँ तो यार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।